रिकॉर्डिंग मैसेज मिला? हाँ सर, रिकॉर्डिंग हो रहा है। ओके ठीक है सर। चलिए मॉर्निंग मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस में सुमित जी लैपटॉप से ज्वाइन किए क्या? ओके तो बेसिकली सर हम लोग आज टेक्निकल पे इंडिकेटर्स का जो चल रहा था ना कंटिन्यूएशन उसी में रहेंगे। लास्ट दिन एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स देखा था, आज एक और एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स देखेंगे। जैसे कि आपको मैं आप लोगों में हमेशा बोलता रहता हूँ कि इंडिकेटर्स बहुत सारा है, सारा का सारा इंडिकेटर्स लेके पढ़ते जाएंगे तो जिंदगी भर सिर्फ इंडिकेटर्स में ही जिंदगी बीत जाएगा, मार्केट से आप अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं हो पाएगा। तो इतना ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स के साथ साथ धीरे धीरे आप अपना बाकी इंडिकेटर्स देख सकते हैं, बट अगर चार पांच इंडिकेटर्स इनफ होता है जिसके बेसिस में आप मार्केट में अपना पोजीशन या ट्रेड बहुत ही अच्छे से ले सकते हैं। तो वैसा ही एक इंडिकेटर्स है जो आज से नहीं 1970s से चले आ रहे हैं, ठीक है 1970 से। तो इंडिकेटर्स का नाम है सर MACD, ठीक है। MACD का मतलब मूविंग एवरेज। RSI हो गया था ना लास्ट डे सर। RSI में सुनते हैं जो डाइवर्जेंस बोले कुछ चीजें मतलब मार्केट ऊपर ही आता है बट RSI दिखाता है नीचे का, तो पहले से इंडिकेटर से था कि मार्केट है नीचे जाने वाला। हां ये तो बताया ना लास्ट में नहीं डाइवर्जेंस। हाँ एक्चुअली RSI के साथ साथ ये जो मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ये दोनों देखिए अभी आपको मैच करेगा, मतलब RSI के साथ साथ आप MACD को भी यूज कर सकते हैं। नहीं नहीं सर, RSI का डाइवर्जेंस अलग है, MACD है ठीक है बट डाइवर्जेंस RSI का अलग है सर। कुछ समझा नहीं आपका आवाज सर। टॉपिक टॉपिक का नाम है RSI डाइवर्जेंस, MACD है। आप RSI डाइवर्जेंस के बारे में बात कर रहे हैं? ठीक है RSI डाइवर्जेंस पे बाद में एक बार बात कर लेंगे। ये भी एक इंडिकेटर है जो RSI के बेसिस में ही काम करता है, ठीक है RSI के बेसिस में ही ये काम करता है। बट आज एक बार हम लोग MACD देख लेते हैं, ठीक है MACD देख लेते हैं। MACD देखने के बाद हम लोगों को और भी समझ में आ जाएगा जो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स है उसमें MACD RSI नॉर्मल RSI, ठीक है। अब सारा ये सिंपल चीज बहुत इनफ काम करता है। गुड मॉर्निंग ज्योति। हेलो ज्योति आवाज आ रहा है क्या? गुड मॉर्निंग। हाँ ज्योति आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है सर? बोलो। हाँ सर आवाज तो आ रहा है, बैकग्राउंड का बहुत नॉइज है। बैकग्राउंड में नॉइज है? अब देखिए तो अभी भी बैकग्राउंड में नॉइज है। आपसे बोलते ना सर तो वो नॉइज आता है। नहीं हमेशा तो नहीं आएगा, अभी अभी देखिए अभी नहीं आएगा। जब आप नहीं बोलेंगे तो नॉइज नहीं आ रहा, जब बोलते तो वो नॉइज आ रहा है, मतलब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। अब तो नहीं होना चाहिए ऐसा। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ अभी भी ऐसा ही आवाज़ आ रहा है क्या? बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्या? अब ठीक है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। अच्छा मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हो गया, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है ना? ओके ज्योति, ज्योति का माइक इश्यूज है, ठीक है नो इशू। साउंड तो आ रहा है ना ज्योति?
ओके सर, ठीक है ठीक है सर, कुछ अच्छा स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक बार देख लीजिए स्क्रीन शेयर है कि नहीं। है क्या बस ठीक। अच्छा तो जैसे कि अभी हम लोग लास्ट क्लास में सर आरएसआई में बात हुआ था ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जैसे सुमित जी बता रहे सर आरएसआई में डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस का एक कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली ये जो आरएसआई डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस जो है वो बेसिकली और कुछ नहीं, आप लोगों ने देखा होगा आरएसआई में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में वो किस तरह से आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और आप किस पॉइंट पे बाई कर सकते हो या सेल कर सकते हो, इसका आपको एक पॉइंट देता है। तो वही जहाँ से आपको मार्केट में डाइवर्जेंस नज़र आता है, ठीक है, और कुछ नहीं। ये जो सिंपल जैसे यहाँ पर हम लोग लास्ट दिन देखे थे ना 26.8, यही तो आपका डाइवर्जेंस जोन है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए ना पुराना जो डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस का जो मेथड है ना उसको देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगा, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर अभी समझ में आ जाएगा कि दैट इज इंडिकेटर्स में MACD कॉन्सेप्ट, ठीक है, मूविंग एवरेज डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस, ये एक साथ मिलके काम करता है, ठीक है, मतलब एक साथ मिलके भी काम करता है, ये इंडिविजुअल लेवल में भी बहुत ही हेल्पफुल एक इंडिकेटर्स है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है सर, ये इंडिकेटर्स कोई आज का इंडिकेटर्स नहीं है सर, लैगिंग है या लीडिंग है? हाँ ये लीडिंग में ही ज़्यादा काम करता है, लैगिंग में भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। आप देखिए पहले कॉन्सेप्ट देखिए, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे आप इस चीज़ को समझेंगे। तो बेसिकली ये MACD जो इंडिकेटर्स है ना, MACD इंडिकेटर्स मार्केट में बहुत ही पावरफुल एक इंडिकेटर्स माना जाता है। जैसे अगर मैं आज के मार्केट के हिसाब से बात करूँ, या फिर जैसे ये एक MACD लगा हुआ है सर, आप देख सकते हैं ये 12 and 26 days का है, ठीक है, 12 और 26 days का है, ठीक है, और एक 9 day EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक हिसाब है। और ये देखिए आप, ये जो ब्लू लाइन है और ये जो रेड लाइन है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर, एक बार देखिए ठीक से, इसमें सर रेड लाइन कौन सा, हॉरिजॉन्टल या जो ब्लू लाइन है सर, ठीक है, जो ब्लू लाइन है वो MACD है, ठीक है, जो ब्लू लाइन है वो MACD लाइन है और जो रेड लाइन है वो बेसिकली सिग्नल है, ठीक है। और रेड कौन सा सर, हॉरिजॉन्टल ठंडा वाला लाइन है या जो रस्सी की तरह गया? नहीं नहीं, ये वाला एक्चुअली इसका एक सेंट्रल लाइन होता है, इसका एक सेंट्रल लाइन होता है, पेन ले लेता हूँ। एक सेंट्रल लाइन होता है और 9 दिन और 26 दिन का एक हिसाब किताब चलता है, ठीक है। बेसिकली ये जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस है, इसका सिंपल मतलब होता है, एक बार ये इसके साथ ऐसे कन्वर्जेंस की तरफ आ रहा है, मतलब ये जीरो लाइन के साथ इसका कितना दूरी है, ठीक है, ये बेसिकली ऑसिलेट करता है, ठीक है सर। कभी ये नेगेटिव में आ जाता है जब जीरो के नीचे आ जाता है, और कभी ये ऊपर चला जाता है पॉजिटिव जोन में। ऐसे करेंटली दोनों एरिया ही पॉजिटिव जोन में है, बिकॉज वी ऑल नो ये ITC का है। अगर आप इसको निफ्टी में भी चेक करोगे तो आपको निफ्टी में भी नज़र आएगा कि दोनों लाइन पॉजिटिव जोन में है, ऑलमोस्ट हायर रेंज में बिलोंग कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन इज दैट सर, कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जोन, चाहे वो निफ्टी हो या कि इंडिविजुअल स्टॉक हो, ठीक है, चाहे वो निफ्टी हो या इंडिविजुअल स्टॉक हो, इसमें MACD आपको क्या बताता है, आप उसको थोड़ा पहले समझिए, इसका कैलकुलेशन को पहले समझिए, फिर ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, फिर मैं आता हूँ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। सुमित जी आई थिंक म्यूट है, अनम्यूट है, थोड़ा म्यूट कर दीजिए, बैकग्राउंड नॉइज है थोड़ा, फिर मैं क्वेश्चन लेता हूँ। हाँ बोलो, नहीं हो रहा है क्या? नहीं और कुछ नहीं, ये बाद में जो लोग नहीं कर पा रहे, एक्चुअली बहुत सारे लोग आजकल लाइव नहीं कर पा रहे, उन लोगों के लिए ये रिकॉर्डिंग काम आएगा। देखो अच्छा,
मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका मतलब इंडिकेटर्स क्या कैसे काम करता है उसमें हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए सर कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ये डेवलप किया किसने, जेरल्ड एपल ने, ठीक है, जेरल्ड एपल इन द लेट 70s, 70 के टाइम पे, 1970 1970s के लास्ट में, 1978-79 में बेसिकली इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बनाया गया था। और भले ही पुराना हो बट सर ओल्ड इज गोल्ड की तरह काम करता है, ग्रैंड ओल्ड डैडी ऑफ इंडिकेटर्स कहा जाता है, मतलब इंडिकेटर्स के जमाने का ग्रैंड ओल्ड डैडी, मतलब इसी के बेसिस में बड़े बड़े पुराने इन्वेस्टर्स कमाल करते थे। तो इन्वेस्टेड इन 70s, MACD is still considered as one of the most reliable indicators by momentum traders, ठीक है, जिनको मार्केट में मोमेंटम चाहिए होता है ना उनके लिए MACD आज भी ग्रैंड ओल्ड डैडी की तरह हेल्प करता है। तो एज द नेम सजेस्ट MACD इज ऑल अबाउट द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द टू मूविंग एवरेज। तो बेसिकली ये क्या है, MACD लाइन और कुछ नहीं, दो मूविंग एवरेज का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस एरिया है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल्स में कैलकुलेशन को देखते हैं, ऐसा क्या कैलकुलेशन होता है और उसके बेसिस में ये कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कैसे काम करता है और फिर उसको कैसे अप्लाई करना है वो भी देखेंगे। तो कन्वर्जेंस ऑकर्स व्हेन टू मूविंग एवरेज मूव टुवर्ड्स ईच अदर, जब दो मूविंग एवरेज लाइन एक दूसरे के तरफ आता है, मूव टुवर्ड्स ईच अदर। एंड डाइवर्जेंस कब होता है, कन्वर्जेंस तब होता है जब दोनों एक दूसरे के पास आता है, और डाइवर्ट कब होता है, जब एक दूसरे से दूर जाते हैं। बात को समझिए सर, जब दो मूविंग एवरेज लाइन एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है, इट्स लाइक दिस, ये देखिए, जैसे हम लोग ऐसा बहुत बार ऐसे देखेंगे, ये देखिए एक ब्लू लाइन है, ठीक है, ये बेसिकली 12 और 26 का लाइन का हिसाब है, मैं आपको बताता हूँ कौन सा 12 है कौन सा 26 है। बट पहले आप ये देखिए, जैसे ये देखिए ये लाइन, ये पास आ रहा है ना, जब जब पास आ रहा है, ये देखिए पास आ रहा है, ठीक है, तो जब पास आते हैं टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे के पास आता है और दूर जाता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ऐसे दूर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है, और जब ये एक दूसरे के क्लोज आ रहा है तो कोशिश कर रहा है कि पास में आ जाए, ठीक है। तो ये देखिए एक दूसरे के जैसे जैसे क्रॉस किया है, ठीक है, एक दूसरे के पास आ रहा है। सो कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट। अब इसको कैसे समझना है ये समझना ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले हमको ये समझना जरूरी था कि कन्वर्जेंस क्या होता है और डाइवर्जेंस क्या होता है, ठीक है ना सर। तो मूविंग एवरेज मूव टुवर्ड्स ईच अदर एंड डाइवर्जेंस ऑकर्स व्हेन द मूविंग एवरेज मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, ओके ना, ये बात तो समझ में आया। अभी स्टैंडर्ड एमएसीडी कैलकुलेटेड यूजिंग 12 डे EMA एंड 26 दिन का EMA। EMA क्या होता है आप लोगों को पता है, हम लोग मूविंग एवरेज चैप्टर पढ़ के आए हैं, वहाँ पर हम लोग नॉर्मल सिंपल मूविंग एवरेज SMA एज वेल एज EMA दैट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों पॉइंट पे बातचीत किए थे, ठीक है। सो पॉइंट इज 12 दिन का EMA एंड 26 दिन का EMA ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको 12 और 26 ही लेना पड़े, आप अपने हिसाब से दिन चूज कर सकते हो। बट हाँ, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है, मतलब शॉर्ट टर्म मतलब 12 दिन शॉर्ट टर्म हो गया, 26 दिन लॉन्ग टर्म हो गया। सिमिलरली 50, 100, 20, 30, 50, 25, 50 आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई मतलब पाबंदी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है सर, ठीक है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। सो प्लीज नोट बोथ EMA आर बेस्ड ऑन क्लोजिंग प्राइस। ये जो दोनों EMA है ये क्लोजिंग प्राइस के बेसिस में होता है, ठीक है, मतलब 12 दिन का क्लोजिंग प्राइस, 26 दिन का क्लोजिंग प्राइस। वही मुझे आपको अभी बताना है कि MACD का कैलकुलेशन कैसे होता है। वी सब्सट्रैक्ट द 26 EMA। अब इसमें क्या करना पड़ता है, 26 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको सब्सट्रैक्ट द 26 डे EMA फ्रॉम द 12 डे EMA। 26 दिन के EMA को 12 दिन के EMA से माइनस किया जाता है टू एस्टिमेट द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, इसका जो वैल्यू है। अ सिंपल लाइन ग्राफ ऑफ दिस इज ऑफन रेफर्ड टू एज MACD लाइन, और इससे जो ग्राफ मिलता है उसको MACD लाइन बोलते हैं। तो पहले हम लोग MACD के पीछे का मैथमेटिक्स को ढूंढ रहे हैं, उसके बाद हम उसका ग्राफ को देखते हैं, ठीक है। ये जो हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना सर, ये MACD का ग्राफ है, ठीक है। बट इस ग्राफ को समझने से पहले हम लोग इसका मैथमेटिक्स को थोड़ा देख रहे हैं कि इसके पीछे का कैलकुलेशन कैसे काम करता है, फिर आप अपने हिसाब से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर जाके आप अपना इनपुट को चेक चेंज कर सकते हो। ये देखो सर, एक आपका फास्ट लेंथ है, फास्ट मतलब शॉर्ट, मतलब जो बहुत ही मार्केट के प्राइस के आसपास होता है, और एक होता है स्लो लेंथ दैट इज 26 डेज का जो है
वो मार्केट से थोड़ा सा दूर होगा, ठीक है, ये 26 दिन का हिसाब है। तो 26 दिन थोड़ा स्लो बोला जाता है और 12 दिन को थोड़ा सा फास्ट बोला जाता है, ठीक है। सिमिलरली आप इसको चेंज करके अपने हिसाब से कर सकते हो, और सिग्नल लेंथ जो है ये 9 है, अब इसको भी चेंज किया जा सकता है। और ये कैसे 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 क्या होता है वही मुझे आपको थोड़ा अभी समझाना है। अब इसका मैथमेटिक्स को थोड़ा देखिए, ठीक है, इसके पीछे का मैथमेटिक्स को थोड़ा देखिए, ठीक है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेट अस गो थ्रू द मैथ फर्स्ट एंड देन फिगर आउट द एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। पहले थोड़ा इसके पीछे का कैलकुलेशन और उसके बाद हम लोग इसके पीछे का एप्लीकेशन को देखेंगे। तो सर जस्ट एक बार ध्यान दीजिए, ये कोई एक स्टॉक चूज किया गया है, ठीक है, या फिर निफ्टी भी ले सकते हो, वट एवर आपको जो भी पसंद है। 1 जनवरी 2014 का डेटा था, बट आप कैलकुलेशन को देखिए, स्टॉक का वैल्यू चल रहा था 6302, ठीक है, 6302 या इंडेक्स था तो इंडेक्स का वैल्यू था, ठीक है। तो स्टॉक और इंडेक्स का वैल्यू 1 जनवरी 2014 को 6302 चल रहा था, 6302, फिर 6221, फिर 6221, सॉरी 6211, इस तरह से अप एंड डाउन चल रहा है। सर इससे हमें कोई लेना देना नहीं है अभी कि कब अप हो रहा है कब डाउन हो रहा है, हमें इसके पीछे का कैलकुलेशन को देखना है। अब बस थोड़ा गो थ्रू करिए कि 12 डेटा और 26 डेटा हो रहा है कि नहीं। सुमित जी, ज्योति, समझ में आ रहा है ना, ये डेटा पॉइंट को देखिए आप, इसके पीछे का जो डेटा पॉइंट है उसको समझिए, ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हमें अब तक 12 डेटा है सर, यहाँ तक 17 जनवरी तक 12 डेटा है, ठीक है, मतलब फ्रॉम 1 जनवरी से लेके 17 जनवरी तक का जो डेटा पॉइंट है ये 12 है, बिकॉज बीच बीच में सर छुट्टी भी आया होगा, ठीक है, बीच बीच में हॉलीडे भी पड़ा होगा, सो इसलिए यहाँ पर देखिए 3 के बाद 4-5 गैप था, ठीक है, फिर 7 के बाद 8, समझ में आ रहा है ना, 12 डेटा पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ एग्जैक्टली, तो 12 डेटा पॉइंट हमारा 16 जनवरी को कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, हो रहा है ना। अब 17 जनवरी को इसके बाद भी हमें कुछ डेटा मिल रहा है, ठीक है, इसके बाद भी हमें कुछ डेटा पॉइंट मिल रहा है। अब ये डेटा पॉइंट से देखिए सर, यहाँ पर एक हमारा हो गया 12 दिन का ईएमए पॉइंट टू बी नोटेड सर, ठीक है, दूसरा हमारा आएगा 26 दिन का ईएमए पॉइंट, और फिर हमें मिलेगा एमएसीडी लाइन, ठीक है। तो 12 डे ईएमए चाहिए, ईएमए क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो ऑलरेडी हम लोग मूविंग एवरेज चैप्टर में पढ़ के आए हैं सर। 26 दिन का ईएमए लाइन, फिर आता है एमएसीडी, और ये जो भी होता है सब क्लोजिंग प्राइस से होता है, ठीक है, और ये डेट है कब कब क्या हुआ है, क्या प्राइस पॉइंट चल रहा था इंडेक्स का या फिर स्टॉक का। अब इसी तरह से 12 दिन यहाँ पर, ठीक है, ये क्लोजिंग प्राइस था, अब इसी क्लोजिंग प्राइस को यूज करके यहाँ कुछ डेटा पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, ये देखिए सर, यहाँ पर देखो 26 दिन का हिसाब आ रहा है, 6 फेब में जब आप पहुँच रहे हैं ना, आपका 26 दिन का डेटा पॉइंट भी आपको मिल जा रहा है। तो 26 दिन के बाद ये देखो, ये आपका ईएमए बन रहा है 26 डे का, ये 12 दिन का ईएमए है, ठीक है, ये 12 डे का था और ये आपका 26 दिन का हो रहा है। तो आप कैलकुलेट करके देखिए, 6153 6198 कितना डिफरेंस आ रहा है, 6130 6188 डिफरेंस देखिए, मतलब 12 दिन का ईएमए और 26 दिन के ईएमए के बीच का फर्क कितना हो रहा है। क्या ये 45 आ रहा है, एक बार चेक कीजिए तो, क्या ये 55 नेगेटिव आ रहा है, जस्ट चेक इट ना, 6153 हाँ आ रहा है क्या, यस सर, ठीक है, ये 26 दिन का ईएमए है, क्योंकि देखिए पहला वाला डेटा 17 जनवरी को खत्म हो गया था, सॉरी 16 जान को, उसके बाद 5 फरवरी तक जो आए उसमें 26 दिन का डेटा पॉइंट मिल गया। अब सॉफ्टवेयर ये काम बहुत इजीली कर सकता है, बट हम लोगों को पता होना चाहिए ना कि किस तरह से डेटा पॉइंट मिला है, क्लोजिंग प्राइस है और कुछ नहीं, और क्लोजिंग प्राइस को टोटल करके ईएमए बनाया गया है, ठीक है। अब ईएमए का डेटा मैं आपको मूविंग एवरेज में सिंपल मूविंग एवरेज कैसे होता है दिखाया, अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ा सा उसका इम्प्रोवाइजेशन है। अब इम्प्रोवाइजेशन के बाद हमें जैसे ईएमए डेटा मिल जाता है, हमें एक बार 12 दिन का डेटा मिल गया, एक बार हमें 26 दिन का डेटा मिल गया। अब 12 से 26 को माइनस करो, दिस इज 12 डे ईएमए और दिस इज 26 डे ईएमए,
अब 12 से 26 को माइनस करोगे तो आपको क्या आ रहा है, मतलब 6153, 6198 इट्स अ नेगेटिव 45. सिमिलरली 6130, 6188 इट्स अ नेगेटिव 58. इट्स अ नेगेटिव 58. तो नेगेटिव 45, नेगेटिव 58, इस तरह से हम लोग और चल सकते हैं, इस तरह से हम लोग चल सकते हैं और भी, जैसे जैसे और आगे बढ़ रहे हैं. 6107, 6182, ठीक है, नेगेटिव 75, 6083, 6176, जैसे जैसे मार्केट मूव कर रहा है, जैसे जैसे मार्केट मूव कर रहा है, मूविंग एवरेज ना, उसी डेटा पॉइंट को लेके हम लोग चल रहे हैं सर, ठीक है. मूविंग एवरेज का डेटा पॉइंट ही है ये, 12 दिन का हिसाब चल रहा है और ये 26 दिन का हिसाब चल रहा है. और इसी तरह से जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पुराना डेटा को छोड़ते हैं, है ना, याद होगा आप लोगों को मूविंग एवरेज चैप्टर में, ओल्ड डेटा को छोड़ते हैं और न्यू डेटा पॉइंट को लेते हैं. तो ऐसा हर 12 दिन का न्यू डेटा और हर 26 का न्यू डेटा, ठीक है. तो जैसे हम लोग और आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखिए सर, नेगेटिव 90, 75, नेगेटिव 94, नेगेटिव 106, सर ये नेगेटिव खत्म ही नहीं हो रहा है, नेगेटिव 107, अरे बाप रे, पूरा का पूरा नेगेटिव में ही खत्म हुआ, ठीक है. अब ये नेगेटिव वैल्यू हमें क्या बताता है, और अगर ये कैलकुलेशन आया कहाँ से सर? हाँ सर, कैलकुलेशन आया कहाँ से, डिवाइड कैसे हो रहा है 12 डिग्री? सर ये तो यहाँ से डेवलप हो रहा है ना, ईएमए का वैल्यू तो हम लोग कैलकुलेशन करना सीखे थे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज में, भूल गए सर? नहीं सर, वो नहीं बोल रहे ऐसे, क्या पहले में जाइए ग्राफ में जाइए, डेटा में जाइए, डेटा में बोलिए. तो फर्स्ट जनवरी से लेकर के सब क्लोजिंग सर, ये कुछ नहीं, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक स्टेप जंप है सर, बिकॉज वो चीज़ सॉफ्टवेयर के थ्रू से आपको मिल जाता है. यहाँ पर एक एक्सेल शीट में एक सिंपल सा काम हुआ है, ये जो फर्स्ट जैन से लेके, यही तो मैं पहले बोला, फर्स्ट जैन से लेके 16 जैन तक का जो हिसाब आया है, ठीक है, 17 जैन तक का, इसमें आपको 12 दिन का एवरेज मिल जा रहा है ना, ये आपका 12 दिन हो गया, ठीक है. इसके बाद 17 जैन के बाद और आप चलिए, और आप चलिए, और आप चलिए, नहीं सर वो ऊपर जाइए ना, वो नहीं कंफ्यूज हो रहे, ऊपर जाइए, बस 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 बोलिए. 16 जैन तक सर क्लोजिंग प्राइस है स्टॉक का 6319, हां, और 17 का क्लोजिंग प्राइस 6260 जी. तो जो सर बगल में जो एक 12 डेज का एवरेज निकाल रहे हैं 6230, ये डिराइव कर सकते हैं, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आया है सर, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू से आराम से निकल जाता है, ठीक है. यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये डेटा पॉइंट कैसे कैलकुलेट होता है, ये मैं आपको मूविंग एवरेज में आप लोगों को सिखाया था यहाँ पर. अब ये देखिए, याद है, ये देखिए, ये एवरेज निकालने का कैलकुलेशन था. ये देखिए, हमें डेटा पॉइंट चाहिए होता है, फिर हमें उसका एवरेज करके मिलता है. ये मूविंग एवरेज चैप्टर में मैंने आपको किस तरह से मूविंग एवरेज कैलकुलेट होता है वो मैं बता के आया था, ठीक है. वही फॉर्मूला यूज हुआ है, ये सिंपल मूविंग एवरेज था, अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में थोड़ा फॉर्मूला क्रिटिकल होता है, ठीक है, उसमें हमें ध्यान देने का भी जरूरत नहीं है सर, ठीक है. हमें डेटा पॉइंट मिल जाता है, ठीक है, बस हमें ये देखना है कि जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव का जो खेला है, मतलब मूविंग एवरेज क्या है ये समझ में आ गया, जो हम लोग एसएमए में देखें. अब एसएमए का थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन होता है ईएमए के अंदर, जो सॉफ्टवेयर में बता देता है उसमें क्या ध्यान देना फालतू का. अब बात यह है कि सर ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये जो मूविंग एवरेज का डेटा पॉइंट हमें मिलता है, ठीक है, वही मैं आपको बेसिकली कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे हमें 12 दिन 26 दिन का डेटा पॉइंट मिलेगा तो हम उससे जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है. अब एवरेज कैलकुलेशंस का कॉन्सेप्ट तो आपको मूविंग एवरेज में ही पता चल गया, मैं बस आपको इतना बोल रहा हूँ कि इससे हमें जो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू मिलता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक बात अभी अभी कहें सर कि हमें क्या करना पड़ता है, 12 दिन का जो ईएमए होता है वी सब्सट्रैक्ट 26 दिन ईएमए फ्रॉम 12 दिन का ईएमए, ठीक है. 26 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है उसको माइनस किया जाता है 12 डे के ईएमए से, ठीक है. इससे हमें एक लाइन मिलता है, एक वैल्यू मिलता है, जो वैल्यू हमें मिलता है उससे हमें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का वैल्यू पता चलता है, ठीक है. और इससे जो ग्राफ हमें नजर आता है उसको एमएसीडी लाइन कहा जाता है. अब उसी के बारे में चर्चा चल रहा है, ये बात समझ में आया सर, ये मुझे बताइए. तो 12 को 26 से माइनस करेंगे या 26 को 12 से माइनस करेंगे? नहीं, 12 से 26 माइनस होता है, ठीक है. अब देखिए कैसे माइनस होगा. अब यहाँ पर हम लोगों ने जितना जितना माइनस किया सब में नेगेटिव हुआ ना, क्योंकि
ये जो हमारा डेटा पॉइंट था, ये देखिए सर, पहले हमारा डेटा पॉइंट में 12 दिन का ई एम ए है, फिर 26 दिन का है। तो जो भी डेटा पॉइंट मिला है, 12 से 26 को माइनस किए हैं, और तभी हर एक केस में हमारा नेगेटिव आया है। अगर 26 से 12 को माइनस करते तो नेगेटिव तो नहीं होता, है ना, तब तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाता। तो अब इससे मिलेगा क्या, इसी के लिए बोल रहे हैं, थोड़ा सा सुन लीजिए। वी हैव द डेट स्टार्टिंग फ्रॉम 1st January एंड नेक्स्ट टू द डेट्स वी हैव द क्लोजिंग प्राइस ऑफ निफ्टी। पहले हम लोगों को डेट मिला है, फिर हमें निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस, अच्छा ये निफ्टी का डेटा पॉइंट था, ठीक है। अब इसको आप किसी भी स्टॉक में भी डाल सकते हो सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप इसको ITC में डाल लो, निफ्टी में डाल लो, या फिर जो भी स्टॉक आपको पसंद है उठा लो और उसमें डाल दो, नो इशू। नाउ खेल क्या है, अब इसमें जो मेन पॉइंट आता है सर, कि क्लोजिंग प्राइस ऑफ निफ्टी को यूज किया गया, वी लीव द फर्स्ट 12 डेटा पॉइंट्स टू कैलकुलेट द 12 डे ईएमए, एंड देन वी लीव द फर्स्ट 26 डेटा पॉइंट्स टू कैलकुलेट द 26 दिन ईएमए। पहला 12 पॉइंट 12 दिन का ईएमए, और पहला जो 26 दिन का ईएमए। वंस वी बोथ 12 एंड 26 ईएमए जब हम लोग पैरेलली एक दूसरे के साथ देखेंगे तो हमें ये मिल रहा है सर, 6th February 2014 में हम लोग दोनों को पैरेलली देख पाते हैं, 6th February को, मतलब 1st January से लेके 6th February में हमें 12 दिन में आता है उसके अंदर, 26 दिन में आता है उसके अंदर, जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ये देखो, ये देखिए 6th February में जाके हमें 12 एंड 26 दोनों पैरेलली मिलना चालू हो गया, ठीक है, 6th February में जाके, और इसीलिए 6th February के बाद ही कैलकुलेशन मिल रहा है। इसके पहले का कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 12 और 26 पैरेलली यहाँ पर आके मैच किया है, ठीक है। ये 12 दिन का, ये 12 दिन का डेटा था, ठीक है, 12 दिन और 26 दिन दोनों एक सर्टेन पॉइंट में आके, ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट में आके दोनों पैरेलल मैच करता है, और उसी पॉइंट में हमें इसका डेटा मिलता है, और उसी डेटा को हम लोग जो माइनस करने का जो कॉन्सेप्ट है, सब्सट्रैक्ट करने का, उसको यूज करते हैं। नाउ वंस वी हैव बोथ 12 एंड 26 इन ईएमए रनिंग पैरेलल टू ईच अदर, 6th February 2014 कैलकुलेट द एमएसीडी वैल्यू, तब हम एमएसीडी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब एमएसीडी वैल्यू में 12 डे ईएमए माइनस 26 दिन का ईएमए, अब 6th February 2014 को 12 डे ईएमए वाज 6153 एंड 26 डे ईएमए वाज 6198, जिसको कैलकुलेट करने का आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप लोग अपने सॉफ्टवेयर में जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक शो करेगा, लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार दिखाया कि किस तरह से ये कैलकुलेशन होता है। अब इसमें अगर आपको नेगेटिव नजर आता है तो नेगेटिव कैसे होता, नेगेटिव का मतलब क्या है और पॉजिटिव का मतलब क्या है। So when we calculate the MACD value over a series of 12 or 26 DMA and plot it as a line graph, और उसको हम लोग एक line graph की तरह plot करते हैं, which oscillates above and below the central line, it's look like this, कुछ ऐसा देखने में होता है सर। ये देखिए, ये जो central line, zero line को central line कहा जाता है सर, ठीक है, ये जो zero line है ना, मैं इसमें हाथ से ही draw कर देता हूँ, ऐसे आप यहाँ से tools भी ले सकते हो, ठीक है, यहाँ से टूल्स लेके भी कर सकते हो, बट मैं हाथ से दिखा रहा हूँ। ये जो सेंट्रल लाइन है, अब ये सेंट्रल लाइन के इधर उधर देखिए, कभी यहाँ पर नीचे भी आया है नेगेटिव लाइन में, ठीक है, ये जो सेंट्रल लाइन के इधर उधर जो ये दोनों लाइन का हो रहा है ना, इसको ऑस्किलेशन कहते हैं। अब ये जो सेंट्रल लाइन के इधर उधर कभी जाता है, कभी नीचे आता है तो नेगेटिव वैल्यू, कभी पॉजिटिव जाता है तो पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अब वही यहाँ पर आपको समझना है कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल कैसे आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 6302 ऐसे 1st January से फिर से डेटा पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब सेंट्रल लाइन के ऊपर बेस करके एमएसीडी लाइन कैसे आएगा वो देखिए, सेम पॉइंट सर, और कुछ नहीं, सेम डेटा पॉइंट फिर से लिया गया, फिर से हमें वही डेटा पॉइंट मिल रहा है 45 से लेके। अब यहाँ पर देखिए आप, हम लोग थोड़ा सा और दूर तक भागे और हमें एमएसीडी का 3rd March के बाद देखिए सर, ठीक है, 28th February तक हमें नेगेटिव वैल्यू मिला है, ये देखिए 6118 एंड इधर 6119, बट आफ्टर दैट 12 डे ईएमए हो गया 6136 एंड 26 दिन का ईएमए हो गया 6117। अब 12 दिन का ईएमए पॉजिटिव में चला गया, मतलब थोड़ा हायर हो गया, और 26 दिन का ईएमए लोअर में चला गया, तो इधर मेरा पॉजिटिव वैल्यू आना चालू हो गया। लुक एट सर, पहले हम लोग नेगेटिव देखे थे 6th February तक, अभी देखिए हम लोगों को 6th March तक हमें और भी पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। इवन 14th March तक अगर हम लोग नज़र दें तो हमें पॉजिटिव मिल रहा है सर, 110, 124, 43,
इवन 160 तक गया है। अब खेल ही है कि ये जो एमएसीडी वैल्यू आपको आ रहा है ना, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, अब इसका जवाब हमें ढूंढना है कि सर इससे हमें क्या मिलता है। ठीक है, एक बेसिक सा क्वेश्चन है सर, व्हाट डज अ नेगेटिव एमएसीडी वैल्यू इंडिकेट एंड व्हाट डज अ पॉजिटिव एमएसीडी वैल्यू इंडिकेट, व्हाट डज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एमएसीडी वैल्यू एक्चुअली मीन एंड एज इन व्हाट इंफॉर्मेशन डज अ 90 एमएसीडी कन्वे वर्सेस 30 एमएसीडी। मतलब 90 एमएसीडी क्या बताता है आपको या 30 एमएसीडी क्या बताता है आपको, ठीक है वही आपको मुझे बताना है। जैसे 9 एमएसीडी क्या बताता है आपको, ये सभी चीज आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो साइन आता है, साइन एसोसिएटेड विद एमएसीडी जस्ट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द स्टॉक्स मूव। एमएसीडी से जो हमें समझ में आता है ना, वो बेसिकली स्टॉक का डायरेक्शन को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द 12 डे ईएमए इज 6380 एंड 26 डे ईएमए इज 6220, देन द एमएसीडी वैल्यू इज प्लस 160, है ना। 6380 से 6220 को आप माइनस करो, आपको प्लस 160 मिलेगा। नाउ अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस डू यू थिंक दैट 12 दिन का ईएमए विल बी ग्रेटर देन 26 डे ईएमए। अभी आपके मन में क्वेश्चन है कि 12 दिन का ईएमए 26 दिन के ईएमए से ज्यादा कैसे हो सकता है। वी हैड लुक्ड इनटू दिस मूविंग एवरेज चैप्टर, है ना, क्योंकि शॉर्ट टाइम में आपको जो वैल्यू मिलता है ना, शॉर्ट टाइम पे भी आपको वैल्यू हाई मिल सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग मूविंग एवरेज में करके आए। शॉर्टर टर्म एवरेज विल जनरली बी हायर बिकॉज शॉर्ट टर्म वैल्यू में आपका एवरेज ज्यादा होता है सर, लॉन्ग टर्म में एवरेज कम हो जाता है। जितना ज्यादा लंबा पॉइंट लेंगे उतना ज्यादा एवरेज आपका कम आएगा, और जितना आप कम वैल्यू लेंगे उतना आपका एवरेज हाई आएगा। ये आप किसी भी चीज पर चेक कर सकते हैं। आप जब भी शॉर्ट टर्म डेटा पॉइंट्स में एवरेज निकालेंगे ना, लास्ट 10 दिन का एवरेज कीजिए, एवरेज ज्यादा आएगा। लास्ट 50 दिन का एवरेज कीजिए, एवरेज कम आने का चांसेस ही ज्यादा है। ठीक है, ये कॉमन सेंस में भी आप पुट कर सकते हो। ठीक है, कॉमन सेंस में भी आप पुट कर सकते हो। लंबा समय के लिए एवरेज कैलकुलेट करोगे ना, लंबे समय के लिए एवरेज कैलकुलेट करोगे तो एवरेज आपको हमेशा कम आएगा, लेकिन थोड़ा शॉर्ट पीरियड के लिए एवरेज कैलकुलेट करोगे। इसीलिए यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी काम करता है सर। 12 डे का ईएमए नॉर्मली हायर होता है, बट नॉट ऑलवेज, ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, 12 दिन का ईएमए हायर होगा और शॉर्ट टर्म पीरियड हायर होगा तो लॉन्ग टर्म पीरियड लोअर होगा। तो ऐसे केसेस में आपको पॉजिटिव वैल्यू दिखता है। अब यहाँ पर आपको मैं और आगे लेके चलता हूँ और आपको कोशिश करता हूँ बताने का कि होता क्या। Now, what do you think 12 day EMA will be greater than 26 day? We had looked into this in moving average. The shorter term average will generally be higher than the longer term. And only when the stock price is trending upwards. और ये तभी होता है जब stock price upward trend होता है, तभी ये देखने में आता है कि 12 दिन का average high है 26 दिन के EMA से। Also, do you remember the shorter term average will always be more reactive to the current market price than the longer term average. Short term average always market के करेंट मार्केट प्राइस के आसपास रहता है कंपेयर टू लॉन्ग टर्म। ये बात हम लोग पहले भी एक मूविंग एवरेज में पढ़ चुके हैं। हेंस अ पॉजिटिव साइन टेल्स अस दैट देयर इज अ पॉजिटिव मोमेंटम इन द स्टॉक एंड द स्टॉक इज ड्रिफ्टिंग अपवर्ड्स। अगर आपका एमएसीडी वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब यही है कि स्टॉक अपवर्ड ड्रिफ्ट करेगा एंड मोमेंटम हाई है। हायर इज द मैग्नीट्यूड, फॉर एग्जाम्पल 160 प्लस है इंडिकेट अ पॉजिटिव ट्रेंड विच इज स्ट्रॉन्गर देन 120। 160, 120 से भी अच्छा है, तो इसका मतलब है कि मोमेंटम और हाई है। ठीक है, अब इससे आपका ट्रेड डिसीजन क्या होगा, दो मिनट वेट कीजिए, अभी आपका ट्रेड डिसीजन में आते हैं कि कब आपको बाई करना चाहिए और कब आपको सेल करके निकल जाना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई रेंज है क्या? पॉजिटिव और नेगेटिव में रेंज है क्या? नहीं सर, ऐसा कोई रेंज का मैटर नहीं है, आपको मोमेंटम फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी आते हैं सर, अभी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। नेगेटिव हुआ तो स्टॉक डाउन जा रहा, पॉजिटिव हुआ तो स्टॉक अप जा रहा। यस सर, अगर नेगेटिव होगा तो स्टॉक डाउन जाएगा, वाला समय के हिसाब से बता रहा है। मतलब लीडिंग हुआ तो, लीडिंग इंडिकेटर हुआ। ठीक है, आने वाले समय के हिसाब से बता रहे सर। सो व्हेन एमएसीडी इज नेगेटिव, अगर आपका एमएसीडी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, 12 दिन का ईएमए इज लोअर देन द 26 दिन का ईएमए। अब ये ऑपोजिट काम करेगा। इतना देर से हम लोग ये बोल रहे थे कि अगर 12 दिन का ईएमए 12 डे ईएमए जब 26 दिन के ईएमए से ज्यादा था, ठीक है, 12 डे ईएमए ग्रेटर देन 26 डे ईएमए, आपका वैल्यू पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव वैल्यू देता है। बट 12 डे ईएमए
अगर लेस देन 26 डीए में है तो आपका एमएसीडी वैल्यू नेगेटिव है ना। तो हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ द एमएसीडी द मोर स्ट्रेंथ द डाउनवर्ड ट्रेंड। अब जितना हायर एमएसीडी का मैग्नीट्यूड होगा, मतलब जो मैं आपको बोला था मैग्नीट्यूड इन द सेंस 160 का पॉजिटिविटी 120 से भी हाई है, सिमिलरली ज्यादा नेगेटिव मतलब ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड, और इसमें आपका डाउन ट्रेंड का भी स्ट्रेंथ मतलब मार्केट में बेयरिशनेस का जो फोर्स है वो ज्यादा रहेगा अगर आपका ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, तो डिफरेंस बिटवीन टू मूविंग एवरेज इज कॉल्ड एमएसीडी स्प्रेड। अब दो मूविंग एवरेज के बीच में जो डिफरेंस होते हैं उसको एमएसीडी स्प्रेड कहते हैं। एंड द स्प्रेड डिक्रीजेस द मोमेंटम मेलोस डाउन द इंक्रीज एंड व्हेन द मोमेंटम इंक्रीज। तब मैं समझाता हूं स्प्रेड कब डिक्रीज करता है, जब मोमेंटम मेलोस डाउन एंड इंक्रीज व्हेन मोमेंटम इंक्रीजेस। मतलब मोमेंटम जब इंक्रीज करेगा तब स्प्रेड इंक्रीज करेगा, मोमेंटम जब डिक्रीज करेगा तब स्प्रेड डिक्रीज। समझाता हूं इसको, विजुअलाइज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस स्टेजेस यूजुअली प्लॉट द चार्ट ऑफ एमएसीडी वैल्यू ऑफ एन रेफर टू एज एमएसीडी लाइन। अब ये एमएसीडी लाइन कहलाता है, जो मैं आपको शुरू से थोड़ा दिखा रहा हूँ यहाँ पर लाइव मार्केट में। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर दो लाइन है, यहाँ पर मैंने एक लाइन लिया। अब इसको आप देखिए, पहले सिंपल चीज देखिए, ये एमएसीडी लाइन में दिस इज माई जीरो लाइन, मतलब ये मेरा जीरो है, जीरो के ऊपर का जो सिचुएशन है दिस इज प्लस एरिया पॉजिटिव एरिया, एंड इसके नीचे का जो सिचुएशन है नेगेटिव एरिया। अब नेगेटिव देखिए -50 -100 -150, ठीक है, मतलब ये कितना नीचे जा सकता है, ठीक है, उसके बेसिस में मतलब नेगेटिव कितना भी जा सकता है और पॉजिटिव भी कितना भी जा सकता है। अब अगर आप इसको समझने का कोशिश करते हो तो ये आपका जो ग्राफ है ये ऑस्किलेट करता है इस सेंट्रल लाइन के ऊपर बेस करके। सेंट्रल लाइन कौन है, ये वाला है सेंट्रल लाइन। अब कभी कभी क्या होता है मार्केट सेंट्रल लाइन के पास आके फिर वापस चला जाता है, ठीक है, सेंट्रल लाइन के पास आके फिर डाइवर्ट करता है। कभी कभी क्या करता है वो सेंट्रल लाइन क्रॉस करके नीचे भी आ जाता है, जैसे यहाँ पर नीचे नहीं आया बट आ सकता है, जैसे यहाँ पर आया था आके फिर ऊपर गया है, ऐसा भी हो सकता है। तो इससे आपको क्या करना है एज ए ट्रेडर, आपका क्या परसेप्शन रहेगा, इससे आपका क्या परसेप्शन रहेगा। एज यू कैन सी एमएसडी लाइन ऑस्किलेट्स ओवर ए सेंट्रल जीरो लाइन, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल लाइन। And the basic interpretation of MACD indicator is that when MACD line crosses the central line from negative territory, this is negative territory. जब MACD line negative territory को cross करता है, ठीक है, ध्यान से सुनिए सर, if MACD line crosses the negative territory to positive territory, मतलब negative से ये positive है ना, it means there is a divergence between the two average. इसका मतलब है दो एवरेज पॉइंट में डाइवर्जेंस चल रहा है, एंड दिस इज अ साइन ऑफ इंक्रीज बुलिश मोमेंटम। इस टाइम पे मार्केट में बुलिशनेस नजर आता है, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा रुक जाइए, ठीक है, पहले समझ लेते हैं फिर मतलब उसको ग्राफिकली भी देखते हैं। जब भी मार्केट में आपको ऐसा नजर आएगा कि एमएसीडी लाइन नेगेटिव टेरिटरी को क्रॉस करके पॉजिटिव टेरिटरी की तरफ जा रहा है, इसका मतलब मोमेंटम बुलिश है, इसका मतलब मोमेंटम बुलिश है। और ये बुलिश मोमेंटम ट्रेडर के लिए मतलब इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, बट साथ में बाकी पैरामीटर भी चेक कर लीजिएगा चेकलिस्ट का, ठीक है। दिस इज अ साइन ऑफ इंक्रीजिंग बुलिश मोमेंटम एंड देयरफॉर वन शुड लुक एट बाइंग अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम द चार्ट अबव। वी कैन सी द पैनिंग आउट अराउंड 27 फरवरी, ठीक है। अब ये 27 फरवरी मतलब इसको बता रहे हैं सर, यहाँ पर ये जो डेटा पॉइंट आप देखोगे ना, ये जो एरिया, ये 27 फरवरी का डेटा है। इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में ये क्रॉस किया है, नेगेटिव एरिया से पॉजिटिव एरिया की तरफ गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम या बुलिशनेस एकदम कंफर्म हुआ है। एक्चुअली तो यहाँ से ही कंफर्म हुआ है, बट क्या है ना, अगर आप इस एरिया को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो बेस्ट है आप कम से कम इसको तो आइडेंटिफाई कर लो। मैं आपको इसका एक और एक एग्जाम्पल देता हूँ, लाइव मार्केट से इसका एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं चेक कर रहा था थोड़ा, ऐसा आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में देख सकते हो। मुझे यहाँ पर ITC मिल रहा है, क्या आप लोगों को ITC दिख रहा है सर? ITC करेंटली चल रहा है सर 315 पे, दिखाई दे रहा है? सुमित जी, ज्योति, प्लीज टेल मी।
अब आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये आपका MACD लाइन का सेंट्रल लाइन है ना, ये आपका सेंट्रल लाइन है, ठीक है, ये सेंट्रल लाइन हो गया जिसपे मैंने रेड भी थोड़ा सा देके रखा और ये ग्रीन दिया अभी। अब सेंट्रल लाइन से अब देखिए यहाँ पर कैसे मोमेंटम स्टार्ट हुआ है इसका, ये देखिए दोनों लाइन को ही देखिए आप, मूविंग एवरेज दोनों को ही देखिए, बट ये किस तरह से डाइवर्ट हुआ है, देखिए एक दूसरे के पास नहीं, एक दूसरे से दूर जा रहा है ना, दो मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक दूसरे से दूर जा रहा है सर, ठीक है। अब जब जब ये दूसरे से दूर जाता है इसका मतलब है मार्केट में मोमेंटम है, इसका मतलब है कि मार्केट में मोमेंटम है। 12 दिन का एवरेज हाई रहेगा, 12 दिन का एवरेज हाई रहेगा और 26 दिन का एवरेज थोड़ा नीचे रहेगा। और आप देखिए जैसे जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पॉइंट पे जीरो लेवल के नीचे, ठीक है, जीरो लेवल के पास, नीचे नहीं जीरो लेवल के पास, आप उसी टाइम पे कैंडल को भी देखिए। जब मैं आपको ये बात समझाने का कोशिश कर रहा हूँ अब इसी पॉइंट में आप कैंडल्स को भी देखिए, मार्केट कहाँ चल रहा था 270 पे, दिखाई दे रहा है ना सर, 270 के आसपास मार्केट था। यहाँ पर देखिए मार्केट साइडवेज में चल रहा था काफी दिन तक, इसके बाद इसको देखो मोमेंटम आया है सर, इसका साइडवेज मार्केट के बाद एक मोमेंटम आया है और यहाँ पर एक हैमर फॉर्म हुआ है, यहाँ पर एक हैमर फॉर्म हुआ है, हैमर या स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप जैसा एक फॉर्मेशन हुआ है। और उससे पहले, उसके पहले एक दो पॉजिटिव कैंडल्स हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा इन हेजिटेशन है सर, हेजिटेशन मतलब पोजीशन लेने के लिए बोल रहा है। ये जो कैंडल्स है ना, ये सब कैंडल को ना नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, ये देखने में छोटा है बट ये धमाका करता है हमेशा, इसलिए मैं स्टार्टिंग से बोले जा रहा हूँ कि छोटा छोटा कैंडल मतलब क्या है, मार्केट को वॉच कीजिए, बिकॉज छोटा कैंडल मतलब कुछ तो होगा, थोड़ा सा आपका पेशेंस का जरूरत है और मार्केट वॉच करने का एक एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। और आप देखना हमेशा जब छोटा कैंडल आता है ना लगातार 3 बार 4 बार, फिर कुछ तो होता है, और जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से देखिए आप जैसे मोमेंटम ये पकड़ा है ना, इधर आप MACD को भी चेक कीजिए और इधर आप ITC का मोमेंटम को भी चेक कीजिए। 270 से 315 तक लास्ट कितना दिन पुराना बात कर रहा हूँ मैं, ये मैं बात कर रहा हूँ 1 मंथ का, मतलब बोलिए सर। सर ये ब्लू लाइन MACD लाइन है ना? हाँ। और रेड लाइन क्या है सर? दोनों मूविंग एवरेज लाइन है 12 दिन का और 26 दिन का। तो फिर MACD लाइन कौन सा होगा सर? इसी को एक साथ MACD बोलते हैं। अच्छा सर, एक साथ जब स्प्रेड करेगा, जब दूर दूर में रहेगा तो क्या बुलिश मोमेंटम दिखाता है? जी सर, जब ये एक दूसरे को डाइवर्ट करता है, ठीक है, ये देखिए। और जब ये 12 दिन का EMA और ये 26 दिन का EMA एक दूसरे से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, ठीक है, तब मार्केट को भी देखिए बुलिश। जब एक दूसरे के, हाँ बोलिए, आप बोलिए, कंप्लीट किया। जब एक दूसरे के पास आता है, देखिए ये देखिए मार्केट का मूवमेंट देखिए, डाउनवर्ड होगा या साइडवेज होगा सर? हाँ, जब ये जब एक जैसे देखिए यहाँ पर देखिए ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर पैरामीटर में है ना, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, है ना, लास्ट में मतलब करेंट सिचुएशन देखिए आप, इवन सिमिलर पैरामीटर निफ्टी में भी चल रहा है, ठीक है। अब मार्केट को भी देखिए, निफ्टी ITC काफ़ी दिन से इसी रेंज में घूम रहा है ना, 308 से 15 के बीच में लास्ट कुछ दिन से ऐसे ही चल रहा है इसका, बिकॉज कोई मोमेंटम है नहीं। मेरा एक क्वेश्चन है इसमें, बोलिए, जब काफ़ी दूर में दोनों एक है तो बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, जब पास आ रहा है एकदम क्लोज कर रहा है, जो क्रॉस कर रहा है और सेंट्रल लाइन का तरफ में है, तो मतलब वो तो सेंट्रल लाइन से एकदम पॉजिटिव में ही है, नेगेटिव में है ना, पॉजिटिव में बीच में है, तो मतलब वो एक साइडवेज मार्केट में है। ये अगर नीचे चला जाएगा दोनों लाइन
या एमएसडी लाइन नीचे चला जाएगा तो मतलब स्टॉक में बेरिशनेस आ गया, करेक्ट, स्टॉक के नीचे जाएगा। हाँ, अगर अगर ये साइडवेज से अगर मानिए कि जीरो जीरो के तरफ जा रहा है मतलब नेगेटिविटी आ गई इसका। हाँ, और जीरो से नीचे हो गया, नेगेटिव में आ गया तो मतलब जीरो से नीचे जाने का मतलब है, मतलब बेसिकली ओवर सेलिंग चल रहा है। हाँ, ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है। जीरो से नीचे का जाने का मतलब यही हो जाएगा ना, मतलब बियरिश का मतलब भयंकर बियरिश है। हाँ, वो जीरो मतलब को भी नीचे जा रहा है, मतलब स्टॉक वहां से भी नीचे जाएगा। मतलब बात ये है सर, जब ये जीरो से भी नीचे चला जाएगा ना ये लाइन, जैसे रिसेंट ट्रेंड में आईटीसी का ऐसा हुआ था, ये देखिए जीरो से भी नीचे है मार्च के आसपास, है ना, ये देखिए जब ऐसा हुआ था तो मार्केट देखिए कहाँ पर था, 200। ये परफेक्ट टाइम है, अगर आपको इसके साथ साथ कंपनी के बिजनेस के बारे में आइडिया है ना, इट्स अ परफेक्ट टाइम टू बाई। मतलब मैं तो ऐसा चीज को सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ, बट इसके साथ साथ आपका कंपनी का फंडामेंटल का भी नॉलेज अगर आ जाए ना तो आपको कौन रोकता है सर। मतलब दिस इज दी मतलब आइडियल सिचुएशन मार्केट से पैसा कमाने का, आइडियल सिचुएशन। ये सिचुएशन आइडियल नहीं है, जिस सिचुएशन में हम लोग अभी है ना, ये आइडियल सिचुएशन नहीं है। मतलब जैसे ही जीरो लाइन के नीचे जाए स्टॉक भेज दो, या तो शॉर्ट सेलिंग करो, या अगर जीरो से ऊपर जाए तो काफी स्प्रेड है तो बुलिश मोमेंटम है तो बाय। शॉर्ट सेल तो आपको यहां करना चाहिए, शॉर्ट सेल आपको या तो आप अभी शॉर्ट सेल करो, लेकिन ये भी देखना है सर आईटीसी के बारे में थोड़ा सा सोच विचार करना, ये इंडिविजुअल स्टॉक है, ठीक है सर। अभी का मोमेंटम क्या लग रहा है सर, जो एक दूसरे का एकदम क्लोज आया हुआ है अभी जस्ट? सर अभी का मोमेंटम मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी निफ्टी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। नहीं नहीं, हम आईटीसी का ठीक है, निफ्टी पे भी डिपेंड करता है, आप आईटीसी तो निफ्टी का एक पार्ट भी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सर अभी साइडवेज चलेगा दो तीन दिन, फिर मार्केट गिरेगा। निफ्टी भी आईटीसी भी थोड़ा बहुत गिरेगा, बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा बट थोड़ा बहुत, क्योंकि मार्केट थोड़ा हाई आ रहा है। मतलब यही समझ आ रहा है कि दोनों लाइन जब एक दूसरे का ऊपर मतलब जस्ट एकदम क्लोज है तो मार्केट उस समय साइडवेज ही जाएगा। देखिए ना सर, यहाँ पर भी वही हो रहा है, यहाँ पर भी वही हो रहा है, देखिए साइडवेज ही जा रहा है, ठीक है। अभी 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 मुझे तो ऐसा लगता है कि निफ्टी गिरेगा तो मुझे ऐसा भी मेरा परसेप्शन ऐसा है कि आईटीसी अभी कुछ देर तक ऐसा चलेगा, 300 से 315 रेंज में ही इसका घुमा फिरा रहेगा सर, ठीक है। उसके बाद अगर उसको कोई ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, मार्केट में अगर कुछ स्पेशलिटी आता है तो फिर ये रेंज क्रॉस करके 350 की तरफ भागेगा। मतलब ये नहीं बोलूँगा कि आईटीसी वापस इधर आएगा, नहीं, ऐसा कोई चांसेस नहीं है आईटीसी के पास। थोड़ा सा वॉच कीजिए, थोड़ा देखिए कंपनी का रिसेंट क्या इवेंट है वो भी थोड़ा चेक कीजिए, लेकिन मुझे मेरा पर्सनल परसेप्शन है कि ये थोड़ा सा चेक हो सकता है 300-315 है ना, 307-8 या 300 से 315 के रेंज में घुमा फिरा हो सकता है, लेकिन उसके बाद वो फिर से लंबा खींचेगा, 350 तो जाएगा ही। अब निफ्टी को भी आप देखो, ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे दम तोड़ रहा है निफ्टी, है ना, निफ्टी ऐसा कर रहा है जैसे दम तोड़ रहा है, बहुत खींच लिया, मतलब इतना ज्यादा खींचा, खींचते देखो सर कहाँ पहुंचा, मतलब काफी दिनों से चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। अब देखना ही है कि क्या करेगा, अब ऐसा छोटा छोटा कैंडल बना रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये शॉर्ट सेल के लिए बहुत अच्छा जगह बना रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा डाउन होगा, वापस 17,500 के रेंज में आएगा, लेकिन अगर 18,000 चला भी गया ना तो भी आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे और कोई रीजन तो दिख नहीं रहा है। 18,000 क्रॉस करके एकदम भागेगा ऐसा कुछ तो मुझे नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखो जैसे आज का मार्केट साइडवेज ही है, आज काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा डाउन नहीं है बट उसी रेंज में घूम रहा है, 18,000 ऑलमोस्ट क्रॉस करने के अभी भी 40 पॉइंट है, समय लगेगा। लेकिन हम लोग लास्ट कुछ क्लास से ही बात कर रहे हैं ना सर, कि आप देखिए मार्केट इतना जल्दी तो क्रॉस नहीं करेगा, थोड़ा सा वॉच कीजिए, और देखिए वॉच मूवमेंट में ही काफी दिनों से घूम रहा है, ऐसा लग रहा है निफ्टी जैसे वॉच मूवमेंट में ही चल रहा है, साइडवेज ही चल रहा है, छोटा छोटा कैंडल फॉर्म कर रहा है, कभी 20 पॉइंट कभी 18 पॉइंट ऐसा ही चल रहा है। अब MACD लाइन
आपके लिए क्या बनाता है आपको समझ में आया ना सर? अब आपको और भी इसका कुछ पॉइंट देख लीजिए एक बार. सो व्हेन एमएसईडी लाइन क्रॉसेस द सेंट्रल लाइन फ्रॉम पॉजिटिव टेरिटरी टू द नेगेटिव टेरिटरी, इट मींस देयर इज अ कन्वर्जेंस बिटवीन द टू एवरेज. जैसे कि मैंने आपको आईटीसी में दिखाया, सर बहुत सारा और भी स्टॉक है, मैं आपको दिखा सकता हूँ जहाँ पर ऐसा मूवमेंट क्रिएट हुआ है. मैं देखता हूँ, अगर कुछ याद आता है तो बीच में मैं आपको फिर से कुछ डेमो देता हूँ. जैसे जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना, वैसा ऐसा हुआ है मार्केट, बार बार हुआ है. बस आपको वॉच करना है. आप अपना निफ्टी 50 से कुछ स्टॉक लो, ठीक है, जिसको आपको पसंद है, और उसको वॉच करते रहो. और अगर निफ्टी 50 छोड़ के कोई और स्टॉक लेना चाहते हो, स्मॉल कैप, मिड कैप, उसके बारे में भी क्लास में धीरे धीरे बात करेंगे सर, ठीक है. तो व्हेन एमएसईडी लाइन क्रॉसेस द सेंट्रल लाइन फ्रॉम पॉजिटिव टेरिटरी टू द नेगेटिव टेरिटरी, इट मींस कन्वर्जेंस बिटवीन द टू एवरेज. This is a sign of increasing bearish momentum. Therefore, one should look at selling opportunity. As you can see, there were two instances during MACD. जैसे यहाँ पर हमारे केस में 8th में 24 जुलाई में ऐसा हुआ है, just stop the zero line and reverse direction. मतलब क्या हुआ है सर यहाँ पर, ये देखें, जीरो में आके स्टॉप हो गया है, जीरो में आके स्टॉप हुआ है, फिर से रिवर्स किया है, नेगेटिव में नहीं गया. इसका मतलब ये है कि आपको फिर से यहाँ पर बाइंग जोन मिला है. सर वो सपोर्ट जोन था क्या वहाँ पर? हाँ बोल सकते हो सर, सपोर्ट में ही ऐसा नॉर्मली होता है, सपोर्ट में ही ऐसा होता है. यू आर राइट सर, वो सपोर्ट जोन था, ठीक है. वैसे करेंटली ऐसा क्यों हो रहा है, करेंट निफ्टी क्यों ऐसा हो रहा है, उसका रेजिस्टेंस लेवल में चल रहा है. करेंट निफ्टी ऐसा क्यों कर रहा है, बिकॉज करेंट निफ्टी देखिए सर, इसका रेजिस्टेंस लेवल में चल रहा है. आप चेक कीजिए, ये देखिए. हाँ सर, वो 18,000 करके तोड़ेगा, देखिए डाउन देगा. ये देखिए सर, पूरा रेजिस्टेंस जोन में चल रहा है. इसीलिए दम, इसीलिए देखिए ना, तभी से ये अपने उसी रेंज में घूम रहा है. मतलब तो उसको तोड़ने का अभी और कोई मौका नहीं मिल रहा है. वो मैक्सिमम 100 पॉइंट और ऊपर जाएगा तो नीचे तोड़ेगा. फिर दम तोड़ेगा आराम से तोड़ेगा ना, तब ऊपर 18,000 क्रॉस करेगा, तब क्रॉस करेगा. हाँ सर, मुझे भी वही लग रहा है, आप सही बोल रहे हैं, ठीक है. सो traders generally argue that while waiting for the MACD line to cross over the center line, a bulk of move would already be done. Trader ka aisa manna hai ki MACD line ko cross over karega, iske liye wait karna hai kya? Tab tak to aur aadha se zyada market kaam kar chuka hai. To overcome this, there is improvisations of this basic MACD line. The improvisations comes in the form of additional MACD component, which is the 9-day signal line. A 9-day signal line is exponential moving average of the MACD line. If you think about this, we have now a टू लाइन. सब चलिए देखते हैं, ये जो 9 दिन का लाइन है ना, एक होता है आपका 12 और 26 का लाइन, और एक होता है 9 दिन का ईएमए लाइन, जो मैं आपको तब से दिखा रहा हूं. अब वही मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, आप देखिए, ये थोड़ा आपको और ज्यादा हेल्प करेगा. एमएसीडी लाइन और 9 दिन का ईएमए एमएसीडी, इसको सिग्नल लाइन भी बोलते हैं. अब टू लाइंस ट्रेडर को क्या हेल्प करता है वो थोड़ा देखिए. Trader can follow a simple two-line crossover strategy as discussed in the moving average chapter and no longer wait for the central line crossover. आपको central line crossover का सोचने का जरूरत नहीं है. आप दो line देखिए, एक 9 दिन का MACD और आपका 12 और 26 का जो EMA है. The sentiment is bullish when MACD line crosses the 9-day EMA, wherein MACD line is greater than the 9-day EMA. When this happens, the trader should look at buying opportunity. मैं आपको अभी दिखाता हूँ. The sentiment is bearish when MACD line crosses below the 9-day EMA, wherein the MACD line is lesser than the 9-day EMA. When this happens, the trader should look at selling opportunity. The chart below plots the MACD indicators as Asian Paints Limited का. चलिए देखते हैं क्या हुआ है. अब वही जो मैं आपको ITC में शो कर रहा था वही है, ठीक है. 12 दिन का EMA क्लोजिंग प्राइस का, 26 दिन का EMA क्लोजिंग प्राइस का, ठीक है. 12 और 26 मिला के हमें जो लाइन मिलता है वो बेसिकली यहाँ पर जो हमारा ब्लू लाइन है ना, वो ब्लू लाइन है, ठीक है. 12 और 26 मिला के जो लाइन है, और जो रेड लाइन है वो बेसिकली 9 दिन का ये में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन, जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं. यहाँ पर जो ब्लू लाइन है ये MACD है, और ये जो रेड, हाँ सर अभी जो ग्राफ दिखाया था ना वो ब्लू लाइन नहीं था, ब्लैक लाइन. नहीं ठीक है, वो ब्लैक है इसीलिए क्योंकि वो कलर आप चूज कर सकते हो. जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, फर्स्ट लेंथ 12 और स्लो लेंथ 26 और सिग्नल लेंथ है 9, ठीक है. अब इसको मैं ओके कर दिया,
जैसे मैंने ओके कर दिया, ये मेरा है सेंट्रल लाइन, ये देखिए सेंट्रल लाइन इसमें जीरो, तो ये जो रेड लाइन है ना मेरा, ठीक है, ये रेड लाइन मेरा सिग्नल लाइन है, 9 दिन का ईएमए है, और इसमें जो मेरा ब्लू लाइन है ये मेरा 12 और 26 का ईएमए है, मतलब बेसिकली आप इसको एमएसीडी बोलो, ठीक है, ब्लू लाइन को, ब्लू लाइन को आप एमएसीडी बोलो, और 9 दिन आपको एक्चुअली सिग्नल दे रहा है कि क्या करना चाहिए। अब आपको मैं थोड़ा और समझाता हूँ, इस केस में क्या हुआ है, ब्लैक लाइन जो है, ये जो ब्लैक लाइन है ये बेसिकली क्या है हमारा, ये ब्लैक लाइन 12 और 26 का डिफरेंस का एमएसीडी लाइन, और जो रेड लाइन है ये हमारा एमएसीडी लाइन है। अब वर्टिकल लाइंस ऑन द चार्ट हाइलाइटेड द क्रॉसओवर पॉइंट्स ऑन द चार्ट वेयर अ सिग्नल टू आइदर बाय और सेल हैज ओरिजिनेटेड। अब इसमें या तो हमारा बाय जनरेट होगा, जैसे ये जीरो है, ठीक है, ये जीरो लाइन है, अब जीरो लाइन के ऊपर और नीचे का खेल है, अब इसमें हमारा बाइंग और सेलिंग जोन क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वर्टिकल लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट पॉइंट टू क्रॉसओवर वेयर द एमएसडी लाइन बिलो सिग्नल लाइन सजेस्ट शॉर्ट ट्रेड। मतलब कहने का मतलब है, ये देखिए यहाँ पर हमें शॉर्ट ट्रेड के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, जब जब आपका 9 डे ईएमए नीचे रहेगा, ठीक है, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर, जब जब आपका 9 डे का लाइन जब जब नीचे रहेगा तब तब आपको बाई करना चाहिए। The first vertical line starting from the left point crossover where MACD line lies between the below the signal line. जब MACD signal line के नीचे है short trade करो, मतलब sell करो, short sell करो। और second vertical line from left option to crossover where MACD line lies above the signal line. मतलब MACD जब जब signal line के ऊपर है तब आपको buy करना चाहिए। So and so forth इसी तरह से होना चाहिए। अब इसको मैं ITC से समझाता हूँ, थोड़ा clearly नजर आएगा। Sir, but जब शॉर्ट टर्म वाला नीचे है तो हमको शॉर्ट ट्रेड करना चाहिए, करेक्ट है, मतलब रेड लाइन नीचे है एमएसडी लाइन से। जी सर, जब रेड लाइन नीचे है, ठीक है, एमएसडी से, एमएसडी से ब्लैक हमारा एमएसडी है, ठीक है, ब्लैक इक्वल्स टू एमएसडी और रेड इक्वल्स टू 9 डेज का ईएम। तो सर वहां पे देखिए, तो जहां पे आप एरो बताए थे, जहां पे डीप ब्लू कलर से वर्टिकल लाइन है, सॉरी ब्लैक लाइन का जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन यहां पर, नहीं एकदम राइट, एक्सट्रीम राइट में, और थोड़ा राइट, और थोड़ा राइट, हां बस इधर, हां अब उसके नीचे आइए, वहां पे देखिए शॉर्ट टर्म नीचे है और एमएसडी लाइन ऊपर है, इसका मतलब शॉर्ट ट्रेड करने बोल रहा है मेरे को। MACD लाइन नीचे है, MACD लाइन नीचे है और नहीं उसके बाद हां वही कोई पॉइंट है, इस पॉइंट MACD लाइन ऊपर है, EMA लाइन नीचे है, तो इसका मतलब हमको शॉर्ट ट्रेड करना है पहला पॉइंट के हिसाब से, ठीक है, हां। बट वो देखिए, वो लाइन जो है जीरो को तो क्रॉस नहीं किया, मेरा तो ये कंडीशन है ना कि जीरो लाइन का नेगेटिव जाएगा तब ना स्टॉक में बेरिशनेस आएगा। हाँ सर, ये यहाँ पर ही तो खेल है सर, ये वाला पॉइंट मैं आपको कुछ देर पहले ही बता रहा था, ये एक सेंटिमेंट होता है, ये जो अभी आपको मैं बता रहा था कि मार्केट में ट्रेडर का एक आर्गुमेंट चलता है, ट्रेडर्स जनरली आर्ग्यू दैट वाइल वेटिंग फॉर द एमएसडी लाइन टू क्रॉस ओवर द सेंटर लाइन, ठीक है, बल्क ऑफ द मूव वुड ऑलरेडी बी डन एंड परहैप्स इट वुड बी बेटर टू एंटर ए ट्रेड टू ओवरकम, मतलब क्रॉस ओवर कब करेगा उसके लिए वेट करने से तो अच्छा है ट्रेड में चलो, क्योंकि आधा से ज्यादा काम हो जाता है, ये एक आर्गुमेंट है मार्केट में। इसी नहीं को समझे कि सर जीरो का लाइन तो देखते नीचे नहीं जाएगा तो हम ट्रेड लेंगे कैसे, हमको तो वेट करना पड़ेगा ना, मार्केट बेरिशनेस हो जाएगा वहां से या साइडवेज चलेगा, वो तो मेरे को मोमेंटम पता नहीं है पहले से, तो जीरो क्रॉस करेगा तब ना बेरिशनेस होगा, तब ना हम शॉर्ट ट्रेड लेंगे कंफर्मेशन पे। नहीं सर, जरूरी नहीं है, इसीलिए तो ये 9 दिन का जो ईएमए है ना, ये आपको इसीलिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। जैसे देखिए, एक बात यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, ये एक ट्रेंड है, जैसे यहाँ पर हम लोग दो पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, आपको मैं फिर से समझा रहा हूँ, आप देखिए, पहला बात कि फर्स्ट वर्टिकल लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट पॉइंट्स टू क्रॉस ओवर व्हेन एमएसडी लाइज बिलो द सिग्नल लाइन, जब एमएसडी सिग्नल लाइन के नीचे है, ध्यान से देखिए सर, जब एमएसडी लाइन सिग्नल लाइन के नीचे है, ठीक है, ये रेड लाइन है ना, एमएसडी लाइन सिग्नल लाइन के नीचे है तो आपके लिए बाइंग जोन क्रिएट कर रहा है ना, आपके लिए बाइंग जोन क्रिएट कर रहा है,
लेफ्ट पॉइंट टू क्रॉस ओवर एनएसईडी बैंक बिलो द सिग्नल लाइन सजेस्ट अ शॉर्ट ट्रेड एक सेकंड एंड सेकंड वर्टिकल लाइन फ्रॉम लेफ्ट पॉइंट्स द क्रॉस ओवर वेयर एनएसईडी लाइन लाइज अबव द सिग्नल लाइन मींस वन शुड लुक एट बाइंग अपॉर्चुनिटी सो एंड सो मतलब कहने का मतलब यहां पर ऐसा है सर कि एमएसईडी लाइन जब सिग्नल लाइन के ऊपर रहेगा ठीक है एमएसईडी लाइन जब सिग्नल लाइन के ऊपर रहेगा तब आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है और एमएसईडी लाइन जब सिग्नल लाइन के नीचे रहेगा तब आपके लिए शॉर्ट सेल का अपॉर्चुनिटी ठीक है तो जैसे तो सर अगर लाइन का मूवमेंट देखे तो फिर नेगेटिव और पॉजिटिव जो जीरो लाइन का जो सेंटर लाइन है वो हम लोग को नहीं देखना करेक्ट ये एक अनदर अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप जीरो लाइन के ऊपर बेस करके चलना चाहते हैं ये थोड़ा लॉन्ग टर्म में काम करता है ठीक है ये थोड़ा लॉन्ग टर्म में काम करता है लेकिन अगर आपको वेट नहीं करना है फिर भी आप जीरो लाइन की जीरो को छोड़ के सेंट्रल लाइन को छोड़ के आप ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हो तब आप देखो कि एमएसईडी लाइन ऊपर है कि सिग्नल लाइन नीचे है ठीक है उसके बेसिस में साथ में आप अपना हाँ बोलो सर बोलो मैं बस इतना कहना चाहता आपको कि आप सेंट्रल लाइन के ऊपर हमेशा वेट करके रखेंगे तो फिर कब क्रॉस करेगा तब आप ट्रेड लेंगे ठीक है वो अच्छा है उसमें आप अच्छा ट्रेड ले सकते हो बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है सर कि आप एमएसईडी लाइन का मूवमेंट को देखिए कि वो 90 ईएमए से कितना ज्यादा ऊपर है और कितना ज्यादा नीचे ठीक है अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको है ना वैसे सिचुएशंस पाने के लिए लेकिन अगर आप शॉर्ट ट्रेड लेते हैं या शॉर्ट टाइम के लिए करना चाहते हैं तो इन दैट केस आप वो 9 डे ईएमए के साथ एमएसईडी लाइन को कंपेयर कीजिए कि उसका पोजीशंस को देखिए कि एमएसईडी कहाँ है और आपका 9 डे का ईएमए कहाँ है उसके हिसाब से आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में करते बेटर रहेगा उसी दिन स्क्वायर अप करना रहेगा सुबह लिया 10 बजे एकदम बिल्कुल बिल्कुल ये एमएसईडी इसीलिए पुराना कॉन्सेप्ट है बट बहुत काम करता है ठीक है बहुत काम करता है इसलिए ये चीज बताया जा रहा है कि जब जब आप देखेंगे कि पॉइंट्स क्रॉस ओवर एमएसईडी लाइन अबव द सिग्नल लाइन अगर एमएसईडी आपको सिग्नल लाइन के ऊपर दिखता है तो आपको बेसिकली बाइंग अपॉर्चुनिटी करना चाहिए ठीक है यू शुड लुक फॉर ए बाइंग अपॉर्चुनिटी और अगर आपको ऐसा दिखे कि एमएसईडी लाइन नीचे है सिग्नल लाइन के तब आपको शॉर्ट सेल करना चाहिए ये सिंपल कॉन्सेप्ट बताता है ठीक है मतलब समरी सर यही है कि अगर शॉर्ट ट्रेड लेना है तो सिर्फ लाइन को देखो और अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो सेंट्रल लाइन प्लस लाइन दोनों को देखो यस ठीक है सो नीडलेस टू से एमएसईडी पैरामीटर सर नॉट सेट इन स्टोन ये बात भी याद रखिए मतलब ऐसा नहीं कि आप 12 और 26 ही लोगे आप अपने हिसाब से टाइम फ्रेम ले सकते हो ठीक है आप अपने हिसाब से ले सकते हो ओरिजिनली जेरल्ड एप्पल ने जब बनाया था तो उन्होंने 12 और 26 को लिया था इसीलिए मार्केट में अभी भी 12 26 को डिफॉल्ट माना जाता है तो और क्या क्या लाइन और क्या क्या नंबर ले सकते हैं आप 30 या 90 ले सकते हो 50 25 ले सकते हो आप अपने हिसाब से वॉट एवर टाइम फ्रेम कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है सर तो सर एमएसईडी लेने के टाइम में हमको एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन लेना होगा जो कि हो जाएगा 9 वो ऑटोमेटिक हो जाएगा सर ये देखिए यहाँ पर मैंने तो 9 नॉर्मली आ जाता है अब आप अपने हिसाब से जैसे निफ्टी में अगर मैं लूँ उसको आप इस पे एमएसईडी लगाइए जैसे मैंने यहाँ पर लगाया ये ऑटोमेटिक है ये आपको 12 26 और ठीक है ये 12 26 मिला के आपका ब्लू लाइन बना के दिया और नॉर्थ जो है वो आपका रेड लाइन जो है वो बेसिकली सिग्नल लाइन ठीक है तो एमएसईडी का जब भी इंडिकेटर लगाएंगे 12 26 9 वाला सिग्नल स्ट्रेंथ मतलब ईएमए डिफॉल्ट ये बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट आएगा अब आप सिग्नल लेंथ को चेंज करना चाहते हो चेंज कर दो इसको अगर 10 12 13 जो भी करना चाहते हो करो आइडियल क्या होना चाहिए आइडियल नॉट तो ये ठीक है बट आइडियल जो एक्चुअली अपना जेरल्ड का जो है वो आइडियल है ठीक है बाकी ट्रेडर अपने हिसाब से देखता है कि उसको 15 दिन का चाहिए कि 20 दिन का चाहिए सिग्नल लेंथ ठीक है और वो फर्स्ट लेंथ फर्स्ट को जैसे हम लोग ये मूविंग एवरेज में पढ़े थे याद है ना सर मूविंग एवरेज में कि आप 50 25 के साथ 50 भी ले सकते हो
आप फास्ट लेंथ को 25 कर दो, ठीक है, ये भी एक आइडियल है, और आप स्लो लेंथ को 50 दिन का एवरेज ले लो। तो सर जिराल ने जब ये बनाया, सर जिराल ने जब ये बनाया नंबर को नंबर लेने का हिसाब से, तो ये क्या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लिया या शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से लिया? नहीं, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से लिया, तभी तो ट्रेडिंग है। जेरल्ड जब इसको बनाया था, देखो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बेसिकली क्या होता है, आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, जैसे मैं आपको आईटीसी में बता रहा हूँ कि आईटीसी में ये जो एक लंबा जो एक ग्रोथ क्रिएट हुआ है, ट्रेडिंग, जैसे झुंझुनवाला साहब का भी ये कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का एक स्पेशल क्या रिलेशन है, इन्वेस्टमेंट तो हमेशा लॉन्ग टर्म ही होता है, ये इन्वेस्टमेंट का एक खासियत है, पर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर को एक हेल्प करता है वेन टू एंट्री और वेन टू एग्जिट। ये इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ा काम करता है, कब एंटर करना आपके लिए सबसे बेहतरीन स्टेज है। जो ट्रेडिंग को फॉलो करता है वो इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। तो जून वाला सब क्या बोलता है, जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हेजिंग करते ही होंगे, क्योंकि वो कोई भी स्टॉक पे 4-5 साल नीचे बेचेगा नहीं। और मान लीजिए कोई अगर सपोज 100 रुपये पे लिया हुआ स्टॉक है, सपोज वो 100 से 150 गया, अब वो जब रिट्रेस करे करेक्शन करेगा तो 150 से 120 वापस 100 में भी जा सकता है। मतलब जिस प्राइस पे लिया उसी प्राइस पर आगे खड़ा हो गया मान लीजिए 6 महीना बाद, तो फायदा क्या हुआ? तो इसमें तो हेजिंग करना ही पड़ेगा ना उसको। सर देखिए, ये डिपेंड करता है, ये ट्रेडर अलग अलग लोग ना अलग अलग मेंटेलिटी के होते हैं। किसी को डर लगता है तो वो हेजिंग करता है, ठीक है, किसी को डर कम लगता है। मार्केट किसका है जानते हो सर? मार्केट रिस्क टेकर का है। इस मार्केट में वही लोग ज़्यादा मतलब अपने आप को बना पाता है जो मार्केट में खेलता बहुत लोग है, बट प्रॉफिटेबल वो होता है ना जिसपे करेज होता है। ये बात तो आप लिख के रख लो, आज आप में करेज होना चाहिए। और हेजिंग कब करता है? जब आपको थोड़ा सा मार्केट हेजिंग के बारे में मैंने क्लास बताया फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, हेजिंग तब होना करना चाहिए जब मार्केट में आपको रिस्क नजर आता है, याद है ना, सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क। लेकिन सर अगर आप मार्केट को प्रॉपरली रीड करते हो तो जरूरी नहीं आपको हमेशा, देखो हेज करोगे तो आपको दोनों जगह पे पैसा लगाना पड़ेगा, है ना, एक तरफ आप बुलिश हो तो दूसरी तरफ आप बेयरिश हो, तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको बेसिकली एक डिफेंसिव मोड पे ला रहा है। लेकिन पैसा कमाना है ना, श्योर शॉट मेंटेलिटी बनाओ, मेरा परसेप्शन मैं बता रहा हूँ आपको, श्योर शॉट मेंटेलिटी बनाओ और श्योर शॉट मेंटेलिटी पे ट्रेड भी करो और इन्वेस्टमेंट भी करो। समय लो, थोड़ा नॉलेज गैदर करने में समय लो, ठीक है, ये हेजिंग वगैरह बाद में काम करना जब आपको लगे कि मार्केट आपके हाथ से बाहर जा रहा है। ग्रीडी नहीं बनना चाहिए, ठीक है, ये मैं अपना परसेप्शन बता रहा हूँ, अलग अलग लोग अलग अलग सोचता है, मैं इस पर कोई एक पर्टिकुलर टिप्पणी नहीं कर सकता सर कि सर आपको ऐसा ही करना चाहिए, मैं बोलूँगा तो आपको शायद पसंद ना हो, बट मैं अपना परसेप्शन बता रहा हूँ। मेरा परसेप्शन ऐसा होता है कि भाई करेज है तो स्टॉक में पैसा लगाओ, लॉस खाने का भी दम रखो, ठीक है, लॉस खाने का भी दम रखो, लेकिन अगर प्रॉफिट करना है उसमें भी दम रखो करेज के साथ। सेम टू सेम ट्रेड में भी अगर आपको सिग्नल, जैसे हम लोग ऑलरेडी इंपॉर्टेंट सिग्नल काफ़ी सारा कर चुके हैं, अब कुछ और बाकी है, जैसे मैं नेक्स्ट दिन आपको और एक चीज़ बताऊंगा, बॉलिंजर बैंड का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, बॉलिंजर बैंड भी आपको हेल्प करेगा। तो कॉन्सेप्ट इज दैट सर, जैसे सारा इंडिकेटर्स को हमें फॉलो करना है, सारा इंडिकेटर्स को फॉलो तभी हो पाएगा ना जब आपका कैंडल स्टिक्स, आपका वॉल्यूम, आपका मूविंग एवरेज, ठीक है, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल और अलग अलग इंडिकेटर्स जब एक साथ काम करता है तो आपको क्या करना चाहिए एज ए ट्रेडर, ठीक है। अब यहाँ पर ना और एक इंटरेस्टिंग बात है सर, इंडिकेटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैंडल? नो डाउट कैंडल, इंडिकेटर से भी कैंडल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को कि जब मैं मतलब बेसिकली एक फाइनलाइज करूंगा आप लोगों को, ठीक है, फिनाले, ठीक है, और कुछ स्पेशल कैंडल इंडिकेटर्स भी है उसके बारे में भी चर्चा कर लूंगा एक बार, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर इतना कम इंडिकेटर्स में क्या हो सकता है, लेकिन बिलीव करो सर इतना सारा इंडिकेटर्स का जरूरत नहीं है। जितना लोग इंडिकेटर्स के पीछे पड़ जाते हैं ना मार्केट में, जरूरी नहीं है इतना सारा इंडिकेटर्स को लेकर दिमाग खराब करने का, मुझे तो जरूरी नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा, फिर भी मैं बताऊंगा, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है। हाँ बोलो सर। बाकी झूम वाला ना सर बहुत स्वार्थी आदमी, उसे अपने ही देखते लोगों का देखा नहीं, वो आज तक कभी कुछ चैनल निकाला ना, कोई स्ट्रैटेजी बताया ना ही कोई बुक लिखा वॉरेन बफेट की तरह, वो सिर्फ अपने लिए कमाया पैसा उड़ाया,
हाँ सर वही वही मैं बोल रहा हूँ कि बहुत स्वार्थी बहुत स्वार्थ वो अपना कभी स्ट्रेटजी किसी से शेयर नहीं किया, करोड़ों करोड़ों का शेयर ले लिया लेकिन कभी बताया नहीं है कि हम किस स्ट्रेटजी पे चलते हैं, हेजिंग करते हैं, कभी नहीं। वॉरेन बफेट शेयर भी करता है, वो कभी कुछ शेयर नहीं किया अपने सर। उससे क्या फर्क पड़ता है, सबका अपना अपना स्टाइल है, वो अपना पैसा कमाया उड़ाया, क्या फर्क पड़ता है। वो भले ही माइट बी अ बिग बुल लेकिन इज नॉट अ बिग बुल फॉर द अदर पर्सन सोसाइटी के लिए। सर देखो एक्चुअली क्या है ना, इसलिए रखे ये सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, मैं इसमें किसी को हीरो या विलेन नहीं मानता, ठीक है। सबका खेलने का अपना तरीका है, मार्केट सबका है, आप अपने हिसाब से मार्केट से नॉलेज लो ना। वही बोल रहा हूं, एक चीज देखिए इस मार्केट में हिंसा बहुत ज्यादा है, वो नहीं चाहता कि मेरे से दूसरा कोई आगे बढ़े जाए। हाँ ऑब्वियसली रहने दो ना, क्या प्रॉब्लम है, मनी मेकिंग मशीन है ना इसलिए। हाँ ऑब्वियसली कंपटीशन तो है ना सर, कोई कोई सीक्रेट क्यों बताएगा किसी को, क्यों बताएगा किसी को, हिंसा तो है, रहने दो ना हिंसा, क्या प्रॉब्लम है, वही तो मार्केट का स्पेशलिटी है। लेकिन नॉलेज तो सबके लिए है ना सर, कोई मना करता है नॉलेज लेने के लिए, नॉलेज कोई शेयर नहीं करता सर। ऐसे कहते हैं एग्जांपल आपको जीन वाले के दिए, वो कभी नॉलेज शेयर किया आपने? नहीं सर वो नॉलेज नहीं है, नॉलेज तो वो बता, नॉलेज कहाँ मिलेगा आपको, स्टॉक मार्केट का नॉलेज कहाँ से मिलेगा, जीन वाला से थोड़ी ना मिलेगा। स्टॉक मार्केट चलाने के लिए जो पूरा वर्ल्ड वाइड जो कॉन्सेप्ट है जो आप अभी सीख रहे हो, ठीक है, इसमें अभी टेक्निकल कर रहे हो, उधर फ्यूचर ऑप्शन कर रहे हो, ठीक है। अब जीन वाला अपने आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर मानता है तो उसको अपना स्ट्रेटजी भी शेयर करना चाहिए ना, जो उनके पास आते हैं। बट वो डायरेक्टली ये भी बताते हैं कि अगर आपको मार्केट समझ नहीं आता तो आप म्यूचुअल फंड में जाओ ये भी बताता है। लेकिन सर एक चीज है, झुंझुनवाला का एक कॉन्सेप्ट है कि मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगता है झुंझुनवाला साहब का, कि वो इंडियन मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा बुलिश है, बहुत ज़्यादा। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो अपने भारत के मतलब जो मूवमेंट है ना, इस मूवमेंट को ये बहुत अच्छा पढ़ पाता है। ये बात वो बाहर बार बार कहा है, मुझे नहीं पता आपको पता नहीं, मुझे पता है कि क्योंकि मैं जब भी उनको सुना हो कभी भी मैं उनका मैं लोग उसके टिप्स के पीछे भागते हैं, मुझे टिप्स के पीछे भागना ही नहीं है। टिप्स सुन के क्या करोगे आप अपना इंस्टिंक्ट यूज़ करो, आप सीखो कि वो क्या सोचता है, उसका सोच लो आप, वो टिप्स देगा आप क्या करोगे, जब तक आप वो टिप्स देगा तब तक मार्केट निकल गया होगा तब तक मार्केट निकल गया होगा। तो सर ये अलग ही चीज है, ठीक है। इंडिकेटर्स में सोसाइटी का भला नहीं किया इसलिए जल्दी उम्र में टिकट कट गया सर, वो भगवान किसका टिकट कब काटता है ना किसी को नहीं पता सर ऐसा ये किसी को नहीं पता सर, ये आप कैसे बोल सकते, किसका टिकट कब कटेगा किसी को नहीं। तो जो भी हो इंडिकेटर्स में नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बॉलिंजर बैंड बताऊंगा, फिर धीरे धीरे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, डाउ थ्योरी, एलियट वेव का थ्योरी, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज है जो मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में कुछ मैं सप्लीमेंटरी कुछ और भी नोट्स प्रोवाइड करूंगा जिसमें अलग अलग इंडिकेटर्स बताऊंगा सर, ठीक है, और पिवोट रेंज में भी बात करूंगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीशन स्टेज में ही आ रहे हैं, धीरे धीरे हो जाएगा 2-4 हफ्ता में, ठीक है सर। ज्योति समझ में आया सर, बोलो। आई थिंक ज्योति को समझ में आया, ज्योति का माइक का इशू है, ठीक है ज्योति, इतना ही यहाँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके सर, बाय फिर। ठीक है सुमित जी, टाटा। ठीक है सर, एमएससीडी